एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इलाज वर्ड। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू हाउ टू मेक अ ग्लोइंग फ्लॉलेस मेकअप सेटिंग स्प्रे एट होम। दिस वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, डोंट स्किप एनी स्टेप ऑफ दिस वीडियो। आज जो मैं आपके साथ मेकअप सेटिंग स्प्रे शाइनर जो शेयर करने लगी हूँ बनाने का जो मेथड है, ये आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको पता है कि मेकअप सेटिंग स्प्रे जो है, फिक्सिंग स्प्रे, हम हर मेकअप लुक क्रिएट करने के बाद हमें जो है उसका स्प्रे करना पड़ता है ताकि हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, फ्लॉलेस रहे हमारी बेस। और इसके अलावा उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। और वैसे तो आपको पता है रिवाज का और दूसरे ब्रांड्स का जो है फिक्सिंग स्प्रे वो यूज़ होता है ज़्यादातर, और तकरीबन 500 समथिंग का कुछ मिल जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप एक नेचुरल तरीके से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पर ही शाइनर मेकअप स्प्रे जो है वो रेडी कर सकते हैं। जो शाइनर मेकअप सेटिंग स्प्रे है, फिंग स्प्रे, ये इतनी जल्दी रेडी हो जाएगा कि आपको 2 से 3 जो है इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और आपका जो सेटिंग स्प्रे है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से रेडी होगा। तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये क्यों ज़रूरी है, जी आपकी जो बेस है वो फेस पर स्ट्रे करे इसलिए भी ज़रूरी है, इसके अलावा इसके साथ साथ जो है ये आपके फेस पर ग्लो भी देता है, तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लें यहाँ पर अर्क के गुलाब, जी आपने यहाँ पर रोज़ वाटर ले लेना है और रोज़ वाटर के साथ बनाएंगे अपना सेटिंग स्प्रे। तो इस तरह से कुछ एक बॉटल आपने ले ली है नोज़ल वाली और उसके साथ इसका ये पंप होगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो सेटिंग स्प्रे है जब आप इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो ईजीली जो है वो आपके फेस पर वर्क करेगी। आप जो है ये रोज़ वाटर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा और आपकी जो स्किन है उसके लिए भी हेल्दी है। और वैसे भी आपको पता है रोज़ वाटर के बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो इसके साथ ही जो है आप अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है आप पानी से भी बना सकते हैं और पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर लिया है, उसका मैंने जो कवर है आपके सामने रिमूव कर दिया है। अब हमें यहाँ चाहिए होगा एलोवेरा जेल, जी एलोवेरा जेल जो है इस तरह का आपको मार्केट से ईजीली मिल जाएगा, तकरीबन 500 तक की आपको मिल जाएगा और इसकी बॉटल बड़ी वाली। तो ये हमने करना है इसमें ऐड, आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के और 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये ज़रा थिक सा होता है, आप देख लें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होती है। एलोवेरा जेल वैसे भी आपको पता है स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं और बहुत अच्छा है, बेस्ट है। तो इसके साथ ही जो है हमने ये कर दिया है इसके अंदर ऐड रोज़ वाटर के अंदर। तो रोज़ वाटर के अंदर ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्लिसरीन। जी हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है आप ग्लिसरीन की क्वांटिटी कम रखिएगा, और अगर आपकी ड्राई है तो आप ग्लिसरीन की जो क्वांटिटी है वो आप तकरीबन 1/2 टेबल स्पून कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने बहुत कम रखा है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, मैं अपनी ऑयली स्किन के लिए इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके साथ ही जो है ये हमने इसमें कर देनी है सारी ऐड, और ऐड कर लेने के बाद यहाँ तक तो था हमारा विदाउट शाइनर और विदाउट ग्लोइंग जो सेटिंग स्प्रे जो है नेचुरली जो वे में हमने रेडी किया है। हमने कर लेना है इसे अच्छे तरीके से मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमारा जो सेटिंग स्प्रे है वो बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से ही जो ये मार्केट में सेटिंग स्प्रे मिलते हैं वो इसी तरह रेडी किए जाते हैं और बहुत ही बेस्ट है, इतना ज़्यादा और इतनी कम जो है अफोर्डेबल प्राइस में आपको घर पर रेडी करने का जो ये सीक्रेट है आपके साथ अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया होगा। तो इतनी बड़ी बॉटल आप देख रहे हैं थोड़े से एलोवेरा जेल से, और उससे हमारी रेडी हो चुकी है। अब आप इसे रखें और सेव भी कर सकते हैं, और रोज़ाना जो है मेकअप के बाद और वैसे भी आप अपने चेहरे पर फेस पर अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने अपनी स्किन पर आपको इसको अप्लाई करके दिखा दिया है, आप देख रहे हैं इस तरीके से जो है वो कितनी ग्लोइंग और कितनी फ्लॉलेस लुक दे रहा है। अब हमने रेडी करना है अपना दूसरे वाला सेटिंग स्प्रे, वो जो है वो हमारा होगा ग्लोइंग और शाइनर वाला। उसके लिए हमने क्या करना है, उसमें ये डिफरेंस है कि इसके अंदर हम एलोवेरा जेल बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ किया तो हमने उसमें एलोवेरा जेल ऐड किया, लेकिन शाइनर वाले में हमने एलोवेरा जेल ऐड नहीं करना, सिर्फ वैसलीन लेनी है और उसके कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो मैं इस वाटर में ऐड कर दूँगी रोज़ वाटर में। ये वाला जो शाइनर वाला वाटर स्प्रे है ये भी आप पानी के साथ भी रेडी कर सकते हैं और रोज़ वाटर के साथ। अब यहाँ पे मैंने एक लेना है ब्रश, पोली ब्रश मुझे चाहिए होगा, और यहाँ पे मैंने इस तरह के हाइलाइटर्स जो हैं मेरे पास गोल्ड में, पीच में, सिल्वर में, अगर आपके पास इस तरह के हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में जो हैं वो भी ले सकते हैं। स्क्रैच करना है एक आपने ले लेना है कार्ड उसके ऊपर या कोई पेज, तो यहाँ पर मैं स्क्रैच करने लगी हूँ, मैंने वाइट वाला जो है यहाँ से स्क्रैच कर लिया। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसके अलावा अगर आप स्क्रैच नहीं करते तो मिस रोज़ के ये वाले हाइलाइटर्स बहुत बेस्ट हैं, इनकी जो पिगमेंटेशन है वो इतनी अच्छी है और इनकी जो शाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका जो डेमो है वो मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं इसके रिव्यूज़ वगैरह।
और यहाँ पे जो है मैंने पिंक वाला शाइनर लिया है, ये हाइलाइटर लिया है और गोल्ड वाला। ये दोनों जो पाउडर है वो मैं कर दूँगी इस सिल्वर वाले के अंदर मिक्स। अगर आपके पास दूसरे हैं तो आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में हैं वो भी, जो भी आपके पास हाइलाइटर्स या शाइनर्स जिस भी तरह के हैं, जो भी शेड्स के हैं, वो आप मिक्स करके इसके अंदर तो एक अपना जो फिक्सिंग स्प्रे है वो शाइनर वाला वो रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तीन जो है वो ऐड, अब यहाँ पर एक और जो है मेरे पास आप देख रहे हैं ग्लिटर था, ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लिए, इतना खूबसूरत था, इसके अंदर इतनी ज़्यादा शाइन थी, तो मुझे असल में शाइनर वाला फिक्सिंग स्प्रे बनाना है तो ये भी मैंने इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिए काफ़ी सारे हाइलाइटर स्क्रैच करके भी, पाउडर फॉर्म में भी। अब मैंने इसे इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉटल के अंदर डाल देना है। अब यहाँ पे आपने जो एक बात का ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी जो बॉटल है वो खुद आहिस्ता आहिस्ता ये जो है आपका हाइलाइटर वो खुद ही इसके अंदर मिक्स होगा, और ख़ुद ही इसके अंदर आपने नहीं मिक्स करना, बॉटल को ज़ोर से नहीं हिलाना, वरना क्या होगा आपका जो हाइलाइटर्स है इसकी छोटी छोटी जो है पीसीज अलग-अलग हो जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा, हाइलाइटर्स अलग हो जाएंगे, और आपकी जो सेटिंग स्प्रे वो बिल्कुल भी अच्छी रेडी नहीं होगी और ना ही उसके अंदर शाइन आएगा, क्योंकि सारा शाइनर तो इकट्ठा हो जाएगा गुठलियों की सूरत में। तो आपने सिर्फ इसको खुद ब खुद होते रहने देना, ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगा हल। आपने सिर्फ क्या है फिंगर से कार्ड की मदद से मूव करते रहना है, हिलाते रहना है। तो यहाँ पे सारा जो हमारा फिक्सिंग स्प्रे वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला गया था। अब मैं इसे कर दूंगी मिक्स। अब 20 मिनट बाद या 25 मिनट्स बाद मैंने इसे कर देना है मिक्स। मिक्स करने के बाद सारा हाइलाइटर हो चुका है वाटर स्प्रे में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब, और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत और कितना ग्लोइंग, कितना शाइनी जो है हमारा मेकअप सेटिंग स्प्रे रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको और करीब से दिखाती हूँ, इसकी इतनी ज़्यादा शाइन थी क्योंकि मैंने इसके अंदर जो शाइनर है वो मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स के ऐड किए थे, तो ये उतनी हर तरह की शेड्स जो है वो दे रहा था। यहाँ तकरीबन इसको रेडी होने में 30 मिनट्स लगे हैं क्योंकि खुद ब खुद जो है हाइलाइटर्स पानी के अंदर मिक्स हुआ, मैंने बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया, जब वो सारा बैठ गया तो मैंने उसे हिलाया और हमारा सेटिंग स्प्रे रेडी है। अब मैं इसकी एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। वो स्प्रे मैंने कर लिया अपने हैंड्स पर और अब आप देखेंगे ये इतना ज़्यादा शाइनी, इतना खूबसूरत, इतना ग्लोइंग और इतना फ्लॉलेस लुक देगा कि आपको ऐसे लगेगा कि आप जस्ट अपने जो फेस पर इसका भी स्प्रे कर देंगे ना तो ऐसे लगेगा कि आपने पता नहीं कितना हाइलाइटर अपने फेस पर लगाया हुआ है और कितना ज़्यादा जो है आपका फेस ग्लो कर रहा है। यहाँ पे अब आप देखेंगे दोनों हैंड्स में डिफरेंस, एक कितना ग्लो कर रहा है ये सेटिंग स्प्रे जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था और एक जो है वो बिल्कुल ड्राई है। तो ये थी हमारी सेटिंग स्प्रे जो दो डिफरेंट तरह के मैंने आपको एक नेचुरल वे में बनाना सिखाया कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जिसमें शाइनिंग नहीं होगी वो किस तरह बनेगा, और एक मैंने आपको बताया कि शाइनिंग वाला आप किस तरह से बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी जो वीडियो है बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। बी हैप्पी।